अब बात करते हैं आईनॉक्स लेजर की, जिन्होंने चौथी तिमाही के अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में 48% का उछाल देखने को मिला है। नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईनॉक्स ग्रुप के डायरेक्टर दीपक अशर साहब। मिस्टर अशर, स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही होगा कि फुटफॉल और ऑक्यूपेंसी ग्रोथ किस प्रकार की रही इस क्वार्टर में? नॉट ओनली फुटफॉल ग्रोथ एंड बॉक्स ऑफिस, बट पूरा साल आईनॉक्स के लिए काफी स्पेक्टेकुलर रहा है। इस साल में हमने जो परफॉर्मेंस दिखाया है ऑन ऑल पैरामीटर्स, ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले इतना कभी नहीं हुआ। टोटल फुटफॉल साल के अंदर लास्ट ईयर 533 लाख थे, उसके जवाब यह साल 625 लाख हो गए, इसमें 17% का ग्रोथ हुआ है फुटफॉल में। ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ी है, 26% से बढ़ के 28% हुई है। एवरेज टिकट प्राइस बढ़ा है 194 रुपीज से लेकर 197 रुपीज में। एंड वाई वे 2% ही लग रहा है, आपको ये भी याद रखना होगा कि जो GST का रेट कम हुआ वो भी हमने कस्टमर्स को पास ऑन किया है, तो पास ऑन करने के बावजूद भी हम 2% टिकट प्राइस में ग्रोथ दिखा पा रहे हैं, विच मीन्स विदाउट दैट द ग्रोथ वॉज मच हायर। तो ये सब पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, जिसके कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। जाहिर तौर पर आपके नंबर्स में दिखा है ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी है और टिकट प्राइस भी आपने कहा कि अच्छा खासा इजाफा है, वो भी GST पास ऑन करने के बाद। सर, अगर आप मुझे बता सके, बाजार को वैसे F&B सेगमेंट से कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, ग्रोथ कैसी रही है और इसका आउटलुक कैसा दिख रहा है? हाँ जी, F&B में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। सबसे पहले हमने F&B के क्या किया, हमने सिनेमा गोइंग एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया एक होलसम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस फॉर द फैमिली एंड फॉर आर पेशेंट्स, और उसके कारण नॉट जस्ट लोग हमारे यहाँ फिल्म देखने आते हैं, वो ऑल्सो फॉर द फूड। हमने काफ़ी इनोवेटिव मेन्यूज इंट्रोड्यूस किया है, काफ़ी हमने थीम बेस्ड मेन्यूज इंट्रोड्यूस किए हैं, और वो थीम हमने इंटीग्रेट किया है या तो मूवी के साथ और या तो कोई फेस्टिवल के साथ या कोई लोकल रीजन के कस्टम्स के साथ। उसके कारण फूड स्पेंड भी काफ़ी पेशेंट्स का बढ़ा है। इनफैक्ट एवरेज स्पेंड पर हेड जो फूड पे हमारे पेशेंट्स का FY18 में 66 रुपीज़ था, उसका FY19 में 74 रुपीज़, विच इज 11% ग्रोथ ऑन स्पेंड पर हेड बेसिस। बिटवीन से लोग तो बड़े हैं, मगर हर एक आदमी जो मल्टीप्लेक्स में आता है वो 11% मोर ऑन फूड स्पेंड करता है, इसके कारण हमारे फूड रेवेन्यूज भी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। ग्रेट, F&B सेगमेंट में भी इजाफा है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर आप हमें बता सकें कि रेवेन्यू के फ्रंट पर अब यहां से क्या गाइडेंस रहेगी? नॉर्मली हम फाइनेंशियल नंबर्स पे गाइडेंस नहीं देते हैं, बट वी बिलीव जो हमने स्ट्रांग परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट किया है ऑन ऑल फ्रंट्स, ऑन ऑक्यूपेंसीज, ऑन टिकट प्राइसेस, ऑन फूड स्पेंड पर हेड, ऑन एडवर्टाइजिंग इनकम, All this will continue in the future as well. हमारा लास्ट ईयर अगर आप EBITDA देखें, from 210 crores to 309 crores बड़ा, which is a growth of about 50%. अगर PAT देखें तो almost double हुआ है, from 61 crores to 129 crores, more than double. So we believe that we can maintain the momentum of growth in the future as well. तो एक बेहतरीन क्वार्टर रहा है और आगे भी, आगे के क्वार्टर्स में भी इसी तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद है। शुक्रिया अशर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन नंबर्स पर विस्तार से बात करने के लिए। तो कमोडिटी राउंडअप में वक्त यहीं समाप्त होता है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस। नमस्कार।